हेलो एवरीवन, दिस इज़ मार्टिना गर्ग, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप इंडियन वेडिंग मेकअप ट्यूटोरियल। यू कैन इजीली क्रिएट दिस मेकअप लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी कलरबा प्राइमर। इसे मैं अपने फेस और नेक पर अप्लाई करूँगी। प्राइमर फाउंडेशन को एक अच्छा बेस देता है और पोर्स को क्लोज कर देता है और फाउंडेशन लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी पोरलेस फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128, दैट इज़ वॉर्म न्यूड। इसे मैं अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करूँगी और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग पोर्शंस में ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं कंसीलर के लिए यूज़ करूँगी कलर एसेंस फाउंडेशन स्टिक। इसे मैं अपनी अंडर आइज़ पर अप्लाई करूँगी और इसे मैं हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ करूँगी। सो इसे मैं अप्लाई करूँगी ब्रिज ऑफ द नोज क्यूबिक्स फॉर चिन पर। इसे मैं अपनी आईलिड्स पर भी अप्लाई करूँगी बिकॉज ये आई शेडो को एक अच्छा बेस देगा। और फिर इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अपने बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर की डार्क ब्राउन आईब्राउ पेंसिल। इससे मैं अपनी आईब्राउज को अच्छे से फिल इन करूँगी। इसके बाद मैं अपने आईब्राउज को अच्छे से कॉम करूंगी। आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी मेकअप रेवोल्यूशन क्रिएटिव वॉल्यूम 1 आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं सबसे पहले आई बेस को सेट करने के लिए पीच कलर को अपनी आईलिड्स पर अप्लाई करूंगी और इसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं गोल्डन कलर को इनर टू थर्ड पोर्शन ऑफ आईलिड्स पर अप्लाई करूंगी और इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं पर्पल कलर को आउटर वी पर अप्लाई करूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं गोल्डन कलर को अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूंगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज करूंगी लैक्मे इंस्टा लाइनर इन द शेड ग्रीन। इससे मैं विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी बेला वोस्टे वाइट काजल। इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी।
So my eye makeup is almost complete. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेबिलीन वाटरप्रूफ हाइपर कर्ल मस्कारा। इसे मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी नायका ब्लश पैलेट। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी शुगर हाइलाइटर। मैं इसे फैन ब्रश की हेल्प से अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी, लाइक चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूबिट्स बो एंड चिन। और इसे मैं फिंगर की हेल्प से अपने ब्राउ बोन पर भी अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हिलेरी रोडा का रेड लिप लाइनर। इससे मैं अपनी लिप्स को आउटलाइन करूँगी। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 02 दैट इज ब्रिंग ऑफ पिंक। सो दिस इज माय फाइनल लुक। So that's it for this video. I hope आपको ये video अच्छा लगा. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell button so you get notified every time I put up a new video. I'll see you guys next time. Bye.